thank you thank you thank you lots of thank you to my all lovely youtube family and thank you so much for your precious love time and respect friends your comments your all appreciation is a one of the great blessing for me so thank you so much heartly for your respect and your precious time and your all lovely comments friends i am shalini and i welcome you in your own channel my happy universe happy universe means लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस लॉट्स ऑफ पीपल्स लॉट्स ऑफ बिलीव बिलीव या बिलीव्स ऑल्सो बिलीव इज़ नॉट अ प्रॉब्लम रॉन्ग बिलीव इज अ प्रॉब्लम लेट्स टॉक अबाउट हाउ बिलीव इफेक्ट योर इमोशन्स अगर मैं बिलीव से बात करूँ तो बहुत कॉमन चीज़ों का एक एग्जाम्पल लेके हम बात करें वे रिस्पेक्ट एवरी थिंग वे रिस्पेक्ट ऑल बिलीव विच इज़ राइट फॉर एस अगर मैं बात करूँ बिलीव सिस्टम से रिलीजियस uh, वे से बात करते हैं चलिए ठीक है वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स वी रिस्पेक्ट ऑल एंड वी आर नॉट दैट मच कैपेबल टू पुट आउट द क्वेरीज इन समबडी वी आर जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बींग वी आर प्योर सॉल जस्ट एक्सेप्टिंग दिस थिंग एंड रिस्पेक्ट ऑल दिस इज द मेन पर्पज ऑफ अवर लाइफ सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू वट इज़ बिलीव एंड वट आर अवर बिलीव सिस्टम्स एंड हाउ दे इफेक्ट एंड हाउ दे रिएक्ट ऑन अवर इमोशंस चलिए तो बात करते हैं उससे पहले बताऊंगी कि याद कर लीजिए इंफॉर्मेशन बिलीव एंड फेथ सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन अब बात करते हैं बिलीव कैसे होता है अब बिलीव वो चीज़ है जिसे आप मानते हैं कि एक रियलिटी है सच है ठीक है वो है आपका एक बिलीफ उसके बाद फेथ जिस पे आपकी स्टैम्प होती है कि यार ये है तो है एग्जाम्पल गॉड है गॉड है ये आप एक बिलीव करते हो एक्सेप्ट करते हो और हाँ वो है ये एक सही बिलीव है कि वो है रियलिटी है एक सुपर पावर है इस दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है अगर कंट्रोलर नहीं होता तो आज कोई भी घर पे नहीं होता ऐसे सब अपनी लाइफ को वैसे ही डे टू डे लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चला रहे होते बट देयर इज़ वन सुपर पावर विच इज़ कंट्रोलिंग अस एंड आवर सोल्स वी ऑल आर एनर्जीज एंड वी क्रिएट फ्रॉम दैट अनर्जी दैट इज़ कॉल्ड गॉड आवर क्रिएटर अपार्ट फ्रॉम दिस दिस वी विल डिस्कस इन द स्परिचुअल पार्ट अब बात करती हूँ कि हमारे बिलीव सिस्टम्स कैसे बने ठीक है जितना मैंने अभी तक समझा उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है और हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ इसके बारे में कहता हो लेकिन हम एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ ज़रूर एक्सचेंज कर सकते हैं यही हमारी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है तो बिलीव सिस्टम में एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि जो जितने भी रिलीजियस क्रिक्चर्स हैं हमें उन्होंने कुछ भी गलत गाइडेंस नहीं दी आगे जाके ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने उन स्क्रिप्टर्स के ऊपर कैसे विश्वास किया हमने कैसे एक्ट किया और हमने उनके ऊपर एक्ट करने के बाद रिएक्ट कैसे किया वो सब कुछ हमारी जिम्मेवारी थी हमारी चॉइसेस थी हमारी लाइफ के लिए तो हम नहीं कह सकते कि उस चीज़ में गलत था इसलिए उसमें ऐसे बताया गया वन एंड ऑल हर चीज़ में यही कहा गया कि एक दूसरे से प्यार करो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करो ये कहीं पे भी नहीं सिखाया गया कि आप एक दूसरे को हर्ट करो एक दूसरे को अपने इमोशंस उनके इमोशंस तक जाके उनको हर्ट करो और आप गॉड को पालोगे नो गॉड इज़ नथिंग बट गॉड इज़ अ लव लव इज़ द बिगेस्ट रिलीजन और आप हर चीज़ में हर एक चीज़ में देख सकते हैं अब आपको एक एग्जाम्पल मान लीजिए एक फ़ादर हैं ठीक है थीके? उसके पाँच बच्चे हैं जब वो जन्म देते हैं उनको तो पांच बच्चे बड़े प्यार से इकट्ठे रह रहे होते हैं लेकिन क्या होता है जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं ग्रोन अप होते हैं दुनियादारी को समझते हैं तो कई टाइम आते हैं कि उनके अपने 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 अपना नज़रिया बन गया अपने अपने पिताजी के लिए अब हम घर पे भी ऐसे ही होते हैं अपनी फैमिली में हम सबका अपना अपना रिलेशनशिप है अपने मदर फादर के साथ एक बच्चे का फादर के साथ कैसा है मदर के साथ कैसा है अपना अपना इंडिविजुअली हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है अब उसके बाद क्या हुआ उस फादर ने उन सबको जब वो बड़े हो गए उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से उसे जानना स्टार्ट कर दिया तो क्या किया सब ने अपने आप को अलग कर लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गए अलग हो गए मतलब अलग मतलब ये नहीं था कि उनका प्यार खत्म हो गया उनके थाट्स कुछ अलग हो गए उनके बिलीव्स कुछ अलग हो गए उनका नज़रिया कुछ अलग हो गया लेकिन आप देख सकते हैं आज आप अपने आप जॉइंट फैमिली में तो नहीं रह रहे ना पूरी लाइफ आपके अंकल अलग रह रहे होंगे आपकी बुआ जी अलग होंगे आपके जितने भी रैलिटीज़ हैं सब अलग हैं हर अंकल आंटी अलग रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना अफोर्ड कर रहे हैं आजकल के टाइम में तो क्या आपका प्यार खत्म है उनके लिए नहीं है ना आप वैसे ही उनसे बात कर रहे हो तो वैसे ही ये सब रिलीजन्स बन गए और जिसके थ्रू क्या हो गए वो कहता है ये अच्छा है हर चीज़ अच्छी है जिसमें प्यार है वो हर चीज़ रिस्पेक्ट के लायक है सो रिस्पेक्ट ऑल लव ऑल देन वी कैन टेक लव गिव एंड टेक सो लव इज़ द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड ब्यूटिफुल रिलीजियस ऑल्सो तो अब बताती हूँ कि अब इमोशन्स पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा ये पर्सन है इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और ये पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि इसका जो बिलीव है एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि नॉनवेज कोई खाता है कोई नहीं खाता अब कई लोगों का बिलीव होगा कि नॉनवेज खाना गलत है नॉनवेज खाना पाप है हो सकता है उनके बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग हम रिस्पेक्ट करते हैं हाँ गलत है उनके अकॉर्डिंग गलत है क्यों गलत है क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है जब हमारा जन्म हुआ किसी ने जिस रिलीजन में जिस बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग जन्म लिया वैसे ही उसकी रेयरिंग हुई वैसे ही उसको इन्वामेंट मिला तो वैसे ही चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिवेल्प हो गए लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर भी प्यार था क्योंकि जो भी सिखाया गया वो एक प्यार में सिखाया गया गलत नहीं सिखाया गया कि नफ़रत करो मारो पीटो ये सब चीज़ें कहाँ से आई जब हमारी बॉडी हम पे रिएक्ट हो गई बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हाबी हो गई कंट्रोल नहीं रहा हमारे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा एंगर पे जेलसी पे ये सब चीज़ें एक नफरत बन गई तो फ्रेंड्स अब बताती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई फॉलो करे तो अपने लाइफ स्टाइल से अपनी करैक्टर से अपनी सोच से आप दुनिया को बना सकते हो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते या आप चाहते भी हो कि कोई आपकी बिलीव सिस्टम को आपकी बात को अप्रिशिएट करे तो जस्ट बी एन आइडियल और आइडियल हम बनते हैं अपनी सोच से अपनी थिंकिंग को ख़ुद को चेंज करके पहले हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे अपनी थाट्स को चेंज नहीं करेंगे और हमारी एक थाट वाइब्रेशन और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए सही सोचना दिल से सोचना ये सबसे बड़ी एक हेल्प है सबसे बड़ा प्यार है और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आई होप विल बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स बिलीव बट इन अ ट्रू मैनर बिलीव इज़ नॉट अ प्रॉब्लम रॉन्ग बिलीव इज़ अ प्रॉब्लम कल बात करेंगे सुपरस्टिशंस की कि उनके कारण क्या क्या होता है जाते जाते बात करूँगी जी लेटर के बारे में जी हाँ जी लेटर दे बोर्न परफेक्शनिस्ट ये इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि ये बहुत सेलेक्टिव होते हैं तो जी लेटर आप बहुत क्रिएटिव भी हैं और आपकी एक एक्सिलेंसी की बात बताऊं तो आप बहुत परफेक्टली से हर चीज़ को सोचते हो समझते हो एंड यू आर अ ग्रेट क्रिएटर बिकॉज ऑफ योर परफेक्शनिस्ट सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल जी लेटर्स एंड प्लीज़ लिटिल बिट बी सेलेक्टिव बिकॉज ऑल आर अ वेरी पावरफुल एनर्जीज तो प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिए बहुत से सरप्राइजेज़ है बहुत कुछ न्यू मिलने वाला है कीप वॉचिंग टेक केयर गॉड ब्लेस यू